सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हुमा की रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस को जल्द से जल्द देख सकें और आप हमें अपने कमेंट्स भेजते रहें। दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं वेज मंचूरियन, जिसके लिए हमें पहले बॉल बनाना है। और उस बॉल के लिए हमने जो सामान लिया है उसमें सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया है कॉलीफ्लावर, यानी कि फूल गोभी। दोस्तों, एक फूल को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया और उसका एक हिस्से को हमने अच्छी तरीके से बारीक चॉप किया है। फिर एक छोटा शिमला मिर्च लिया है और जिसको हमने बारीक काटा है, इसको दोस्तों कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। फिर उसके बाद जो हमने लिया है वो है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। दोस्तों, हमने इसको भी एक छोटा पीस लेकर के बारीक चॉप किया है। फिर हमने इस्तेमाल किया है कैरेट यानी कि हमारी गाजर, जिसको हमने बारीक ग्रेट किया है। उसके बाद हमें चाहिए एक प्याज यानी अनियन, उसको भी हमें बारीक चॉप करना है। और इस बॉल के अंदर जो हमें मसाले चाहिए डालने के लिए, वह है हमारा जिंजर यानी अदरक, जिसको हमने बारीक चॉप किया है। एक ग्रीन चिली, दोस्तों हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक काटा है। उसके बाद हमें चाहिए कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी हमारी बॉल में जाएगी और थोड़ी सी हमारी ग्रेवी में भी जाएगी। और नमक, ये हमें बॉल के लिए हमने लिया है, ग्रेवी के लिए हम अलग से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जो हम मंचूरियन के बॉल बनाएंगे तो उसको बाइंड करने के लिए हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है और 1 टेबल स्पून हमने कॉर्न फ्लोर लिया है। अब हम एक बोल लेंगे और हमने उसमें देखिए डाला है गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, अब डालेंगे प्याज, अदरक, मिर्च, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसको अच्छी तरीके से चला लें और उसके बाद हम डालेंगे मैदा, तकरीबन 3 चम्मच हमने डाला है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच बेसन। अब पहले इसको हम मिला लें अच्छी तरीके से। अगर ये थोड़ा ड्राई रहे तो आप इसमें थोड़ा सा मैदे या कॉर्नफ्लोर को और ऐड कर सकती हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा अभी इसमें हमारा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और हम यूज़ करेंगे और हमें थोड़ा सा सोया सॉस चाहिए, तकरीबन 6 से 7 बूंद, और थोड़ा सा वाइट विनेगर यानी कि सिरका। ये हमारे बॉल्स को एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लें। देखिए, अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब हम इसको एक रफली इस तरीके से करके देख लें अगर हमारे बॉल बन रहे हैं तो। इसका मकसद, ये हमारा पूरी तरीके से मिल चुकी हैं सारी सब्जियां। देखिए, बॉल बन गया है। हमें इसी तरीके के सारे बॉल बना करके और डीप फ्राई करना है। दोस्तों, मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो सब्जियां चाहिए वो है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, हमने आधी शिमला मिर्च ली है, 1 छोटा टमाटर यानी कि टमाटो लिया है जिसको हमने काट लिया है, ये देखिए स्लाइसेस में, और 1 छोटी प्याज यानी अनियन, जिसको हमने
इस तरीक़े से स्लाइसेस में काट लिया है। थोड़ा सा हमें रेड चिली पाउडर चाहिए और लहसुन की 6 से 7 कलियाँ जिसको हमने बारीक चॉप किया है, और हमें चाहिए नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें चाहिए टमाटो केचप, दोस्तों ये तकरीबन 4 छोटे चम्मच हमने लिया है। 1 चिली सॉस का पैकेट, दोस्तों ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें और चाहें तो ना करें। सोया सॉस तकरीबन 1/2 चम्मच, वाइट विनेगर 1/2 चम्मच, और ये है हमारा वेज मंचूरियन मसाला। दोस्तों अगर आपके पास ये आसानी से अवेलेबल हो जाए तो आप इसे डालें, और नहीं तो आप कॉर्नफ्लोर को 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लें और थोड़े से पानी में उसको घोलें, और उसके बाद में अपनी ग्रेवी उससे गाढ़ी करें। देखिए हमने एक पैन में तेल को गरम कर लिया है और फ्लेम को हाई कर दिया था। तेल हमारा अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, अब हम फ्लेम को मीडियम कर दें और अपने मंचूरियन बॉल्स को तेल में डाल देंगे। फ्लेम को हमें स्लो रखना है। इसी तरह हम अपने सारे बॉल्स को डालकर तल लेंगे। दोस्तों फ्लेम को स्लो रखना है क्योंकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए। अब देखिए ये एक तरफ से हो गए हैं, हमें आहिस्ता से इन्हें पलट लेना है। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमारे बॉल अच्छी तरीके से पक चुके हैं, इनका कलर भी बिल्कुल बहुत अच्छा सा आ चुका है, तो अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। अब हमने तेल को कम कर दिया है और देखिए उसी तेल में से हमने थोड़ा सा तेल बचा लिया है, और हमें डालना है शिमला मिर्च, थोड़ा सा इसको तलना है। हमें लो फ्लेम करके शिमला मिर्च को उस वक्त तक तलना है जब तक ये गल ना जाए। देखिए अब शिमला मिर्च तल चुकी है, अब हमें इसमें ऐड करना है अनियन यानी प्याज को। अब प्याज का कलर चेंज होने लगा है तो अब हम डालेंगे टमाटर। दोस्तों 2 मिनट के लिए हमें इसे भी भून लेना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। अब हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन। दोस्तों लहसुन डालकर हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि लहसुन की स्मेल इसमें पके हुए लहसुन की अलग होती है, और हल्के से सिर्फ सॉटे करना है और उसके बाद में हमें दूसरे मसाले ऐड करना है। अब हम डालेंगे नमक। अब हम लहसुन को अच्छी तरीके से चला लें और फिर हम उसके बाद उसमें ऐड करेंगे मंचूरियन मसाला। फ्लेम को थोड़ा हाई करें और मंचूरियन मसाले के साथ इसे हल्के से बॉयल आने दें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर, सोया सॉस, हमारा टमाटो केचप। अब देखिए इसमें थोड़ा ये थिक हो गया है, अभी इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे मंचूरियन बॉल। दोस्तों ये एक चाइनीज़ डिश है और आप इसे फ्राइड राइस के साथ या नूडल्स के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए बस एक बॉयल आने दें, फ्लेम को स्लो कर दें, 2 मिनट पकने दें। दोस्तों देखिए अब पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि हमारी काली मिर्च का पाउडर,
और फिर उसके बाद हम डालेंगे चिली सॉस। अगर आप चाहें तो चिली सॉस को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसको एक अच्छे से थोड़ा सा चला लें। दोस्तों मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी यूज़ की है, रेड चिली पाउडर भी यूज़ किया है और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप उसी क्वांटिटी में डालें, और अगर आपको कम मिर्च पसंद है तो थोड़ा कम रखें। तो अब हमारी ग्रेवी तकरीबन पक चुकी है और हम गैस ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारा वेज मंचूरियन।